हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मृत्यु की आत्मा जो है वो चंद्रलोक की तरफ जाती है, फिर ऊंचे उठकर पितृलोक में पहुंचती है, और फिर इन आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने के लिए जो शक्ति प्रदान होती है वो पिंडदान और श्राद्ध के द्वारा प्रदान होती है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है कि क्या श्राद्ध का फर्क पड़ता है, श्राद्ध करने से क्या आपके पितरों को कोई फायदा होता है, श्राद्ध क्यों करने चाहिए, क्या महत्व है, श्राद्ध कैसे करने चाहिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, श्राद्ध क्यों करने चाहिए और इसका महत्व है भी अथवा नहीं। लोगों ने एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होने के नाते मैं इसका रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो समझ है वो अनेक लोगों के पास्ट लाइफ करने से आई है, तो वहां हम पीछे देखते हैं, क्योंकि लोग भूत प्रेत योनियों में भी जो घूम रहे होते हैं उनसे भी बातचीत करके ये जान पाते हैं कि आप किस रूप में आपको कोई बेनिफिट हुआ अथवा नहीं हुआ। अब मैं आपको ये उस रूप में वो सारी नॉलेज के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें क्या है कि श्राद्ध के ऊपर, जैसे मैंने अंतिम संस्कार के ऊपर भी ऐसे ही वीडियो बनाया कि अंतिम संस्कार का महत्व क्या है। अब श्राद्ध के बारे में समझते हैं। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा से बना है, श्रद्धा पूर्वक किए गए काम को ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है, श्रद्धा को प्रकट करने का जो प्रदर्शन होता है वह श्राद्ध कहलाता है। श्रद्धा किसके प्रति? जीवित बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, और इवन उनके चले जाने के बावजूद भी उनके प्रति श्रद्धा। तो जो हमारे गुरुजनों के प्रति हमारे मन में आदर है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, वही श्रद्धा को हम कंटिन्यू करते हैं। यही सनातन धर्म की खूबी है, विशेषता है। तो पितरों के लिए खास तौर पे श्रद्धा और कृतज्ञता दिखाने के लिए एक निमित्त बनाना पड़ता है। इस निमित्त का नाम है श्राद्ध। जब जीवित हैं तब तक उनकी भरपूर सेवा की जाए, जो आप कर सकते हैं वो करें, और जब वो संसार से चले जाएं तो उनके प्रति जो भी आप कर सकते हैं उनके प्रति तब भी हमारी श्रद्धा बनी रहे, उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी हमें तब भी आती रहे, हम कनेक्टेड फील करें, उनका ज्ञान हमारे लिए तब भी हमारे जीवन को प्रकाशित करता रहे, इस चीज को कनेक्ट करने का नाम है श्राद्ध। तो श्राद्ध एक बड़ी ही एक अच्छी परंपरा है, बड़ी सुंदर परंपरा है। अपने मतलब अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने, उनके स्नेह को, आशीर्वाद को पाने का सर्वोत्तम अवसर है। तो इसको एक महापर्व के रूप में माना गया है। एक पक्ष मतलब पूरा, यानी कि एक पूरे 15 डेज का टाइम पीरियड रखा गया है कि इसको श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। तो इसके लिए 16 दिन का अलग टाइम निकाला जाता है। पितृ भक्ति का मतलब इतना सुंदर उदाहरण जो है हमारे कहीं और नहीं मिलता। पितृ पक्ष का हिंदू धर्म और हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत महत्व है। अश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाता है। इस दौरान पितरों का तर्पण श्रद्धा द्वारा पूरा किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मृत्यु होने पर मृत्यु की आत्मा जो है वो चंद्रलोक की तरफ जाती है, फिर ऊंचे उठकर पितृलोक में पहुंचती है, और फिर इन आत्माओं को अपने नियत स्थान तक पहुंचने के लिए जो शक्ति प्रदान होती है वो पिंडदान और श्राद्ध के द्वारा प्रदान होती है। ऐसा हमारे धर्म में प्रोविजन है। तो सवाल यह है कि क्या ऐसा है? द आंसर इज यस। क्या ऐसा है? क्या इससे आपके पूर्वजों को कोई फायदा होता है? द आंसर इज यस, इससे फायदा होता है, पर यह श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, विधि पूर्वक किया जाता है, तभी फायदा होता है। आपको तो बहुत फायदा होता है, उनको भी होता है। अगर वो सेंसिटिव हैं, आपके प्रति कनेक्टेड हैं, आपने जीवन भर भी उनके प्रति प्रेम का भाव रखा है, तो उनके बाद में भी आपको लाभ होता है। तो इसका लाभ क्या मिलता है? डेफिनेटली लाभ होता है। ये एक समुद्र, संसार एक समुद्र के समान है, जल कणों की भांति सारे सब लोग जीव हैं। यहां पर एक छोटा सा यज्ञ करने पर भी उसकी दिव्य गंध से सारे संसार को लाभ पहुंचता है। एक कृतज्ञता की भावना सारे संसार के प्रति आती है। तो मतलब जब आपकी एक छोटा सा यज्ञ भी संसार को तृप्ति देता है, तो श्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी कार्य संसार को तृप्ति क्यों नहीं देगा, आनंद क्यों नहीं देगा? तो डेफिनेटली ये बहुत लाभकारी है। और ये बात समझ लीजिए, अंतिम क्या श्राद्ध होना चाहिए, अगर आप प्रॉपर टेक्निक से ना भी कर पाए तो क्या क्या श्राद्ध होना चाहिए? जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, जल आपने अर्पण किया, जल तो यहीं गिर गया, लेकिन जो श्रद्धा थी, जो भाव थे, वो कम्युनिकेट हो जाते हैं। आपके पितर किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उनको इससे जरूर लाभ होता है। किसी भी अवस्था में उसको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगी। अगर वो दूसरा जन्म ले भी चुके हैं तब भी उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है जब आप श्रद्धा पूर्वक उनको कुछ भी समर्पित करते हैं। इसी तरह से आहुति तो आपने यहां दी, आहुति तो यही यज्ञ में जलकर खत्म हो गई, लेकिन जो भाव थे, जो श्रद्धा थी, वो कन्वे हो गई, वो कन्वे भी होगी और आपके अंदर भी बहुत कुछ पैदा कर गई वो। और श्रद्धा से श्रद्धावान लबंते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आपको बहुत कुछ मिल गया, आपको अंदर बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान का भाव आया, नेचर प्रकृति सब देखती है, आपको बहुत कुछ मिल गया।
इसलिए ये इनका ये बाहरी रूप इतना महत्व नहीं रखता जितना इनके पीछे की जो फीलिंग्स हैं वो महत्व रखती हैं। इसलिए उन फीलिंग्स को जरूर बना के रखना चाहिए, प्यार रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से ना भी कर पाए तो भी आप उनके प्रति मेडिटेशन करके उनको समर्पित करें, वो भाव जरूर पहुंचते हैं। आपका की हुई साधना मेडिटेशन का पुण्य उन्हें समर्पित करें, जरूर पहुंचते हैं। ऐसा हमें एंजल्स ने बताया है, तो डेफिनेटली कीजिए। जैसे भी करें, समय जितना भी आप लगा सकें, आपके पास जो भी तरीका मौजूद हो, अगर जैसे एक माला आप गायत्री मंत्र की उनके प्रति समर्पित कर दें, डेफिनेटली उससे फायदा होता है। एक माला महामृत्युंजय मंत्र की समर्पित कर दें, या कोई भी आप गुरु की माला नाम जप के समर्पित कर दें, इस चीज का बहुत फायदा होता है। कोई भी मेडिटेशन उन्हें समर्पित कर सकते हैं, बहुत फायदा होता है। बस मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।